अबे भैया क्या चला आजकल? मुझे मालूम है कुछ चले ना चले, लेकिन बकचोदी पूरी चलेगी। अब देखो यार, वीडियो शुरू करने के पहले मैं पहले बता देता हूँ कि यार ये वीडियो का पर्पस किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। एंड कोई भी राय टिप्पणी देने के पहले प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि तुम लोग समझ सको कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के शुरू करते अपना काम। जय श्री राम। हाँ, तो आज हम बात करने वाले कांड के बारे में। वो कांड किया है एक आंटी जी ने। वैसे सच्ची बताऊं तो जब मैं आंटी आंटी बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ आंटियों की याद आ रही है। जैसे कि सबसे पहले वो गली वाली आंटी जो हमको क्रिकेट नहीं खेलने देती। अगर गलती से बॉल उन पे टच हो गई तो वो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे उनके ऊपर बम फेंक के मार दिया मैंने। दूसरी टाइप की आंटी जी वो जो आपको देखते से आपके ऊपर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। बेटा कौन सी क्लास में हो, क्या रिजल्ट बना, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कल क्या खाया था, कब हगेगा। फिर एक वो आंटी जी आती है, अगर वो आपको गलती से भी गाली देते सुन ले, चूतिया बोलते भी सुन ले, तो वो आपको लेक्चर दे देगी। मस्त से बोलेगी, यही सिखाया है माँ बाप ने, ये सिखाते हैं आपको स्कूल वाले, यही सिखाते हैं आपको आपके बड़े भैया बड़ी बहन, यही सिखाते हैं आपको आपके समाज वाले। ऐसा करते करते वो पूरे समाज को लपेट ले। ये सारी बातें बोलने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन कि हमको पता है कि आंटियों की आदत होती है टिप्पणी करना। लेकिन कल एक आंटी की टिप्पणी ने उन्हें गलत फंसा दिया। तो सबसे पहले मैं कुछ बोलूं आंटी के बारे में, उसके पहले तुम लोग ये क्लिप देखो। This lady is want to wear short dress to encourage all to see that. Wow, very good. Thank you. And guys, all the ladies wear the short dress or naked dress. अब देखो यार, यही बात थी जिसने मेरे को वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। मतलब इन आंटी जी का कहना है, हाँ, इन्हीं बुरी थूत वाली आंटी जी का कहना है कि लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनती है ताकि उनका रैप हो जाए। नहीं, बहुत सही, बहुत सही। इसी सोच की तो जरूरत है हमारी भारतीय महिलाओं में, ताकि एक आंटी एक मॉल में उनकी बेटी की उम्र की लड़कियों को बोले कि तुम ऐसे कपड़े पहनती हो ताकि तुम्हारा रेप हो जाए। और ये सब बोलने के बाद उस आंटी को एक रद्दी भर का भी अफसोस नहीं हो रहा। उसको एक दूसरी आंटी ने बोला कि अगर इनकी जगह मैं होती तो एक थप्पड़ मारती। और ये सब बात बोलने के बाद भी आंटी अपनी जगह पे अड़ी रही और उन्होंने अभी तक अपनी बात के लिए अपोलोजाइज नहीं किया। अब तुम लोग मानो या ना मानो मेरी बात, लेकिन इंडिया में शॉर्ट ड्रेस पहनने पे जो कॉन्ट्रोवर्सी है ये काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। हमारे इंडिया में लोगों का सोचना है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनेगी तो उनके साथ ये सब होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि छोटे कपड़े पहनने पे ये सब होता है, लेकिन अगर पिछले 2 साल के रिकॉर्ड अगर तुम तोक के देख लो इंडिया में, तो तुमको आसिफा जैसे 8 से 12 साल की लड़कियों के रेप मिलेंगे, तुमको एक बुढ़ी औरत के रेप की न्यूज भी मिल जाएगी। और तो और शर्म की बात है कि तुम लोगों को 8 महीने की बच्ची के भी रेप की न्यूज मिल जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में इतना सा बताओ कि वो 8-12 साल की लड़की आसिफा और वो 8 महीने की लड़की, क्या उनने कपड़े नहीं पहन रखे थे? बेसिकली ये जो रेप वर्ड है ना, ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, वैसे सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन हम फील नहीं कर सकते। जिसके साथ हुआ है या जिसकी फैमिली मेंबर के साथ वो हुआ है ना, सिर्फ उसको पता रहता है कि होता क्या है। बहुत सारे लोग कैंडल मार्च निकाल देंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो कहीं भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पे वो शेयर कर देते हैं। लेकिन जिस लड़की के साथ वो सब हुआ है, क्या कोई उसको वापस ला सकता है? क्या उसके लिए वो सब पहले जैसा हो सकता है? और ये चीज हमारे इंडिया की एक बहुत ही बेकार सी प्रॉब्लम है, जिसको कोई भी कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पॉलिटिक्स का हाथ है। तुम लोगों को इंस्टाग्राम के मीम पेजों पर रोज हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी न्यूज मिलती होगी कि ये पॉलिटिक्स का लड़का था तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में नहीं छप रहा, हम लोग शेयर कर देते हैं। अब जो लोग देश चला रहे हैं, जो नेता लोग देश चला रहे हैं, उनके लड़के ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमारी लड़कियां है कब तक सेफ रहेगी भाई? इसका एक सिंपल सा तरीका था कि हम सब यूनाइट हो, हम सब अपनी माइंड चेंज करें, लेकिन उन सब के बीच एक औरत ही ऐसी सोच रखती है कि छोटे कपड़े पहनने पे लड़कियों के रेप हो रहे। अब अगर इन आंटी जी की जगह कोई लड़का होता, कोई अंकल होता, तो उसकी पहले गंदी वाली कुत्ता पिटाई होती, उसको गंदा वाला ट्रोल किया जाता, यहाँ तक कि बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ती। लेकिन चूंकि वो भी एक औरत है तो हम उनको ये सब नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी यार, उन्होंने किसी लड़की के बारे में ऐसा बोला है तो उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। एंड यही रीजन है मेरा वीडियो बनाने का। यार देखो यार, जब तक ये बात सबको पता नहीं चलेगी, जब तक उनके आस पड़ोस तक ये न्यूज नहीं फैलेगी, तब तक वो अपोलोजाइज नहीं करेगी।
उनके आसपास में, उनके सिटी के, उनके रिलेटिव के सबको पता चलना चाहिए कि उनकी सोच कितनी गंदी है। एक बार सोच के देखो, अगर आपकी बहन, आपकी मम्मा या आपके घर में किसी लड़की को कोई ऐसा बोलता, आप 100% उसको सबक सिखाने की कोशिश करते। और आप अभी भी वो चीज कर सकते हो, जस्ट शेयर दिस वीडियो जहां पे भी आपको इंस्टाग्राम पे न्यूज मिल रही है, उसको अपनी इंस्टा बायो पे शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करो, हर जगह फैला दो ये न्यूज। एंड एक हैशटैग चलाओ, हैशटैग आंटी जी अपोलोजाइज। एंड अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो नहीं बनाते तो आप मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और एक बात और, कि किसी भी लड़की के कपड़े छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। तो यार बस यार, आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक करना, सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा नहीं, नहीं चाहिए सब्सक्राइबर ऐसे वीडियो पे, लेकिन लाइक जरूर करना। एंड अगर आप यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पे, एंड इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आप हो वो न्यूज को 100% शेयर करो। एंड एक हैशटैग जरूर डालना नीचे, आंटी जी अपोलोजाइज। बस मैं मिलता हूं तुम लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।